हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ पायनियर कोचिंग। आज ग्रामर की कुछ चर्चा हम करेंगे। वॉयस, जैसा कि आपको पहले भी बतलाया गया है कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो इंटरचेंज होते हैं, इनको एक हेडिंग में रखा गया है, एक शीर्षक में रखा गया है और नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सेंटेंस का रूप बदलता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। तो ये जितने भी बदलने वाले चैप्टर्स हैं, चाहे वॉयस हो, नरेशन हो, डिग्री हो, रिमूव टू हो, ठीक है ना, ये सबको एक शीर्षक में रखा गया है और नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस का रूप बदलता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि अभी दिन है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अभी दिन है, इसको निगेटिव में बदलना है। तो निगेटिव में बदलना है तो हम क्या कहेंगे कि अभी दिन नहीं है, तो अभी दिन नहीं है, तो दिन नहीं है से कैसे बुझाएगा कि दिन है, इसका निगेटिव होगा अभी रात नहीं। तो सेंटेंस निगेटिव हो गया, नहीं लग गया इसमें, अभी रात नहीं है, तो रात नहीं है तो क्या है, दिन है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये इंटरचेंज होता है, ये सेंटेंस का रूप बदलता है। तो वॉयस जो है इसको एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस भी कहा जाता है, यानी सेंटेंस एक्टिव में होता है और उसको पैसिव में बदला जाता है। तो एक्टिव में सेंटेंस रहता है, पैसिव में उसको ऐसे बदला जाता है कि सेंटेंस पैसिव में चला जाए लेकिन उसका अर्थ नहीं बदले, उसका अर्थ वही रहे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं या आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, दोनों ही वाक्य में पढ़ाने वाला मैं ही हूं और पढ़ने वाले आप ही हैं, नहीं तो वॉयस क्या है, वॉयस क्या करता है, इट शोज वेदर द सब्जेक्ट इज डूअर और रिसीवर ऑफ एन एक्शन। यानी वॉयस क्या दिखलाता है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्रिया का डूअर है या उसका रिसीवर है। एक्टिव सेंटेंस में क्या होगा, वो डूअर होगा, यानी वाक्य में जो क्रिया होगी उसका करने वाला उसका सब्जेक्ट होगा। और पैसिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट जो होगा वो क्रिया का डूअर नहीं होगा, वो उसका रिसीवर होगा, क्रिया उस पर बीतेगी, करने वाला कोई और होगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, ये क्या है, ये एक्टिव सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस हमने कहा कि ए लेटर इज रिटेन बाय मी, ये क्या है, ये पैसिव है। ठीक है, तो आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। हमने कहा लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, तो इसमें लिखने वाला कौन है, आई, लिखा क्या चीज रहा है, लेटर। आई लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो इसमें हम लिखने वाला कौन है, मी, क्या चीज लिखाएगा, ए लेटर। तो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चला गया लेकिन दोनों वाक्य में लिखने वाला मैं ही हूं और लिखाने वाला लेटर ही है। तो सेंटेंस का रूप खाली बदला है लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला है, ठीक है ना। तो वॉयस जो है, इसीलिए चूंकि एक्टिव एंड पैसिव दो सेंटेंस है, इसीलिए ये दो तरह का होता है। पहला है एक्टिव वॉयस, हिंदी में इसको कहते हैं कर्तरी वाच्य, और दूसरा है पैसिव,
पैसिव वॉइस इसको कहते हैं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, अभी हमने कहा कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, जो क्रिया होती है इसको करने वाला ये सब्जेक्ट होता है, तब एक्टिव में होता है। यानी व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन देन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। यानी जब वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य करता है तब वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे आई राइट ए लेटर, आई क्या है, यह सब्जेक्ट है, राइट क्या है, वर्ब है, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कौन सी क्रिया होती है यहां, लिखने की, कौन करता है, आई, मैं, सब्जेक्ट है जो इस क्रिया का डूअर है, इसीलिए यह सेंटेंस एक्टिव हो गया। दूसरा वाक्य में लेटर क्या है, यह सब्जेक्ट है, इज रिटन वर्ब है, तो यहां फिर कौन सी क्रिया होती है, लिखने की, करने वाला कौन है, ए लेटर, नहीं, करने वाला कोई और है, ये जो सब्जेक्ट है ये क्रिया का रिसीवर है, क्रिया इसके ऊपर बीत रही है, इसलिए यह सेंटेंस पैसिव हो गया। समझ ना बात, एक्टिव और पैसिव में यही अंतर है कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर होता है और पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होता है। यानी जब वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य करता है तब वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और जब वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता है बल्कि वह क्रिया किसी और के द्वारा उस कर्ता पर बीतती है तब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का दो ठो एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए वॉइस का संबंध कैसे चेंज होता है ये बात हम आपको बतला रहे हैं। इतना अभी जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं, इतना बात अगर आप बढ़िया से समझ लीजिएगा तो समझिए कि वॉइस की आधा दूरी आपने तय कर ली। ठीक है, तो वॉइस का संबंध वाक्य के भर्ब से होता है, वाक्य के भर्ब से होता है। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर जो सब्जेक्ट बनता है पैसिव में उसके नंबर और पर्सन और एक्टिव के वर्ब के टेंस के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या, इज, इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग तथा बीन, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर मेन वर्ब को भी थ्री में बदलते हैं, मेन वर्ब को भी थ्री में बदलते हैं और आवश्यकता अनुसार बाई प्लस एजेंट लगाते हैं, बाई और एजेंट लगाते हैं यानी जिसके द्वारा वो काम किया जाता है। तो एजेंट क्या होता है, जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही पैसिव में एजेंट बनता है। ठीक है ना, यदि एक्टिव का सब्जेक्ट नाउन होगा तो एजेंट के रूप में उस नाउने को लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए राम है तो भाई राम लिख देंगे, लेकिन यदि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन होगा तब एजेंट के रूप में वो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। ठीक है, चूंकि सब्जेक्ट होगा सब्जेक्टिव केस में आई तो उस एजेंट बनेगा उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, ही होगा तो हिम, सी होगा तो हर, दे होगा तो देम, वी होगा तो अस, यही ना ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस उसका लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि राम लव्स सीता,
राम लव्स सीता, राम सीता से प्यार करता है। राम क्या है यहां? सब्जेक्ट है। लव्स क्या है? वर्ब है। सीता क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो राम लव्स सीता, राम सब्जेक्ट हुआ, लव्स वर्ब हुआ और सीता यहां ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमने क्या कहा कि जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये सीता ऑब्जेक्ट है, तो जब पैसिव में बदलेंगे तो ये यहां सब्जेक्ट बन जाएगी सीता। अब जो ये सब्जेक्ट आया, अब इसका नंबर पर्सन देखिए, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और एक्टिव का वर्ब का टेंस है यहां प्रेजेंट टेंस लव्स। तो एक्टिव पैसिव का जो सब्जेक्ट आएगा उसका नंबर पर्सन और एक्टिव के वर्ब के टेंस के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कौन चीज? तो सीता यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और एक्टिव का वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस का इस तरह से सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा? इज। यस, इज होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, इज होगा। तो यहां वर्ब लग जाएगा इज। उसके बाद हमने कहा कि मेन वर्ब को भी थ्री में बदलेंगे, तो लव्स है, तो लव्स का भी थ्री हो गया लव्ड। तब बाई प्लस एजेंट लगाते हैं। बाई हमने कहा कि अगर नाउन रहेगा तो एजेंट के रूप में इस नाउन को लिख देंगे बाई राम, अगर प्रोनाउन रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ठीक है ना? जैसे फिर एक तो देखिए, ही बॉट फोर बैग्स, ही बॉट फोर बैग्स, वह चार बैग खरीदा। ही क्या है? यहां सब्जेक्ट है। बॉट क्या है? वर्ब है। फोर बैग्स ऑब्जेक्ट है, है ना जी? तो जब बदलेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फोर बैग्स, फोर बैग्स। अब यहां क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया प्लुरल। अब वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। बाई का भी टू है बॉट, तो पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस का इसमें से प्लुरल वर्ब कौन सा है? यस, वेयर। तो वर्ब लग गया वर। अब मेन वर्ब को भी थ्री में बदलेंगे तो बाई का बॉट हो गया और भी टू और भी थ्री एक होता है, यानी बॉट। बाई अब ही सब्जेक्ट है तो एजेंट के रूप में उसको लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये प्रोनाउन है इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे ही। समझ गया लोग? तो ये ऐसे इसका पैसिव बन गया। हमने क्या कहा कि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। जो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है उसके नंबर और पर्सन और एक्टिव के वर्ब के टेंस के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब को भी थ्री में बदलते हैं और उसके बाद आवश्यकता अनुसार बाई प्लस एजेंट लिखते हैं। एजेंट क्या होगा? हमने कहा कि जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही यहां पैसिव में एजेंट बनता है। यदि नाउन सब्जेक्ट होगा तो एजेंट के रूप में वो नाउन लिखाएगा, यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो एजेंट के रूप में उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखाएगा। इज इट क्लियर? ओके। अब हमने शब्द इस्तेमाल किया यहां कि आवश्यकता अनुसार बाई प्लस एजेंट लगाते हैं। आवश्यकता अनुसार बाई प्लस एजेंट लगाते हैं इसका मतलब है कि अगर आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। नहीं तो वैसे तो हर जगह लगाएंगे ही, अब कहां नहीं लगाएंगे इसकी बात करते हैं। तो यदि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट अस्पष्ट नहीं हो, यदि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट अस्पष्ट नहीं हो या क्रिया से ही कर्ता का बोध हो जाए तो पैसिव में उसको
एजेंट के रूप में नहीं मान लिखा जाता है। समझ गए बात? क्या कहा हमने? मैंने कहा कि यदि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट अस्पष्ट नहीं हो या क्रिया से ही कर्ता का बोध हो जाए तो पैसिव में बाई प्लस एजेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमने कहा समवन स्टोल माई पेन, समवन स्टोल माई पेन, कोई मेरा कलम चुरा लिया, ठीक है। समवन क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। स्टोल वर्ब है, माई पेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जब बदलेंगे तब क्या हो जाएगा? जो ऑब्जेक्ट हो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा माई पेन, माई पेन। अब क्या है? ये सिंगुलर है, आई स्टोल कौन टेंस है? गुड, पास्ट टेंस। तो वर्ब ये सिंगुलर है और ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का वर्ब लगेगा कौन सी सिंगुलर? वाज। और स्टोल का भीतरी स्टोलेन। अब यहां क्या है कि सब्जेक्ट है समवन, कोई चुरा लिया मेरा कलम, तो कोई चुरा लिया तो इससे यह नहीं बोध हो रहा है कि कौन चुराया, सब्जेक्ट यहां स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए अब यहां बाई प्लस एजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली माई पेन वाज स्टोलेन, मेरी कलम चुराई गई। तो कौन चुराया? कोई चुरा लिया का आदमी ना चुराया होगा, कुत्ता बिल्लर तो चुराया नहीं होगा, तो इसलिए अब यहां बाई प्लस एजेंट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्टिव का सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है। दूसरा हमने कहा कि यदि क्रिया से ही कर्ता का बोध हो जाए तो भी उसको पैसिव में बाई प्लस एजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे द पुलिस arrested the thief. The police arrested the thief. पुलिस चोर को गिरफ्तार की। द पुलिस क्या है यहां? सब्जेक्ट है। अरेस्टेड क्या है? वर्ब है। द थीफ क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब बदलेंगे तब क्या हो जाएगा? द थीफ। यानी चोर। अब क्या है? ये सिंगुलर है और अरेस्टेड पास्ट टेंस है, तब क्या वर्ब लगेगा? यस, वाज। और अरेस्टेड क्या है? वी टू और वी थ्री दोनों है। अरेस्टेड। अब फिर यहां क्या है कि अब यहां बाई प्लस एजेंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? इसलिए कि क्रिया से ही कर्ता का बोध हो जा रहा है। हमने कहा द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस चोर को गिरफ्तार की। और फिर हमने कहा द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार किया गया। तो चोर गिरफ्तार किया गया, तो हमने कहा कि चोर गिरफ्तार किया गया तो आप नहीं समझे कि कौन गिरफ्तार किया, समझ गए? गिरफ्तार करने का काम पुलिस छोड़ के दूसरा कोई नहीं करती है। कोई करता है? कोई नहीं। हम कहें कि फलाना आदमी गिरफ्तार हो गया तो पूछिएगा क्या कि डॉक्टर साहब किए हैं कि इंजीनियर साहब किए हैं, जज साहब किए हैं कि कलेक्टर साहब किए हैं? कुछ नहीं। ये काम जब करती है तो पुलिस ही करती है, इसलिए यहाँ एजेंट लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्रिया से ही कर्ता का बोध हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बाई प्लस एजेंट यदि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो तब यहां बाई प्लस एजेंट नहीं लिखाएगा, और यदि क्रिया से ही कर्ता का बोध हो जाए तो भी उसके बाद बाई प्लस एजेंट नहीं लिखाएगा, बाकी जगह लिखाएगा। समझ आने बात?
तीसरी बात है कि एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का सारा रूप यूज होता है। एक्टिव सेंटेंस में V1, V2, V3, V4, V5 सारा वर्ब लगता है एक्टिव सेंटेंस में, लेकिन पैसिव सेंटेंस में नहीं। जब यूज होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ V3। कोई भी टेंस होगा, किसी भी टेंस में, पैसिव सेंटेंस में जब यूज होगा तो V3 ही यूज होता है। वर्ब का दूसरा कोई रूप पैसिव में इस्तेमाल ही नहीं होता है। ये आपके लिए एक ध्यान देने की बात है कि एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का सारा रूप लगता है, लेकिन पैसिव में जब लगेगा तो V3 ही यूज होगा, बाकी वर्ब का कोई रूप यूज नहीं होता है। ठीक है ना, ये हो गया वॉयस का निचोड़। इतना बात आप सब समझ गए तो आगे की चीज एकदम आपको आसान हो जाएगी। अब टेंस के आधार पर इसकी चर्चा करनी है। टेंस के आधार पर तो अब टेंस के आधार पर कैसे पैसिव वॉयस चेंज होता है, अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो टेंस के आधार पर पहला है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब टेंस में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, जितना भी आप टेंस में स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो सब एक्टिव स्ट्रक्चर है। पैसिव में स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट का, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ठीक है, ये क्या है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। एक्टिव का स्ट्रक्चर हमने क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस V1/V5, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं, एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट में सीधे वर्ब का रूप लगता है V1 या V5। यहां हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, यानी यदि सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो पैसिव जो है उसका स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, सी क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स यस वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट, तो सी राइट्स ए लेटर, तो ये सब्जेक्ट है सी, राइट्स वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हो गया एक्टिव। समझ रहे बात, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा कि सिंपल प्रेजेंट में पैसिव का स्ट्रक्चर ये होता है। अब पैसिव में अगर इस वाक्य को बदलना है तो इस पैटर्न पर हम चलेंगे, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, तो जब बदलेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाँ ए लेटर, ए लेटर। अब वर्ब है इज आर एम, क्या लगेगा, यस इज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हो गया सिंगुलर। उसके बाद है V3, तो राइट्स का V3 रिटेन। तब है बाई, तो लिख दिए बाई। तब एजेंट, तो सी है इसका सब्जेक्ट, तो चूंकि प्रोनाउन है इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव पोस हो गया हर। लेटर इज
रिटेन बाई हर। समझ गए लोग? ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। यानी सिंपल प्रेजेंट में अगर सेंटेंस रहेगा एक्टिव का, तो उसके पैसिव का स्ट्रक्चर ये है, एक्टिव का सेंटेंस ये है, और इस स्ट्रक्चर पर इसका पैसिव ये हो गया। अंडरस्टूड? थैंक यू। अब चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही, ठीक है। पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वी थ्री बाई एजेंट, ठीक है। अब ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक्टिव का कोई सेंटेंस बोलिए, हमने कहा राहुल इज राइटिंग ए स्टोरी, राहुल इज राइटिंग ए स्टोरी। राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग वी फोर है। ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है ना। अभी आपने बताया हमको कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ। अब ये है एक्टिव, जब पैसिव में बदलेंगे तभी से स्ट्रक्चर पर चलना होगा। यानी सब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? ए स्टोरी, ए स्टोरी। अब क्या है? ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें से कौन सा वर्ब लगेगा? यस इज। तब है बीइंग, तो बीइंग लिखिए। तब है वी फोर, सॉरी वी थ्री, तो राइटिंग का वी थ्री रिटेन। बाई राहुल नाउन है, तो अभी नाउन एजेंट हो जाएगा बाई राहुल। ए स्टोरी इज बीइंग रिटेन बाई राहुल। ये क्या हुआ? ये पैसिव हो गया। समझ लो, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? हैं? यस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यही ना? बिल्कुल सही। पैसिव में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, ठीक है। जैसे सेंटेंस कोई बोलिए, नहीं हाँ ही
हैज ब्रोकन माई चेयर्स, ही हैज ब्रोकन माई चेयर्स, है ना। सब्जेक्ट हैज है का हैज ब्रोकन भीतरी माई चेयर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैज ये हो गया भीतरी, है हो गया ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन भी थ्री बाई प्लस एजेंट। अब इसको इस स्ट्रक्चर पर बदलेंगे, ये हो गया एक्टिव। तो जब पैसिव में बदलेंगे तब क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या ऑब्जेक्ट है, माई चेयर्स, गुड। माई चेयर्स अब क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल है। और हैज है में कौन सा प्लूरल होता है, हैव। तो माई चेयर्स हैव हो गया, ही है तो हैज है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब माई चेयर्स यहां सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब यहां हो गया प्लूरल हैव। उसके बाद बीन तभी थ्री, तो परफेक्ट टेंस में आप जानते ही हैं कि सब जगह भी थ्री का यूज होता है। तो ब्रोकन भी थ्री है, ये है ब्रोकन, तब बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस, यस हिम, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तीन ही टाइप का पैसिव बनता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। अब कोई दिक्कत होगी तो फिर आप संपर्क कीजिएगा। ऐसा करते हैं, इतना बात आप समझ गए होंगे और आज का टाइम समाप्त हो रहा है, इसलिए अब पास्ट टेंस के बारे में हम अगले क्लास में आपसे बात करेंगे, ठीक है। फिर ओके देन, थैंक यू।